कि जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है उसके खिलाफ तो एक संघर्ष करना ही आज, लेकिन हिंदुत्व से मतलब न सिर्फ आरएसएस की आइडियोलॉजी के साथ, बल्कि जो मैं तो देखता हूँ, मतलब हम लोग मजदूरों में काम करते हैं, और मैं नहीं समझता हूँ कि मुझे एक भी मतलब कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर जो मजदूरों में बहुसंख्यक लोग दलित लोग, उनमें कोई ऐसा मिलता है जो ये सारे फालतू के त्यौहार ना मनाता हो, जो नवरात्र में व्रत ना करता हो, जो पूरी तरह से जिस धर्म ने उनको एक वो दर्जा दिया कि इंसान का दर्जा भी नहीं अपना दिया, उस धर्म में गहन विश्वास ना करता हो, ऐसे लोग तो मुझे बहुत कम मिलते। क्या ये चुनौती नहीं है हम लोगों के पास कि उन लोगों को ये बताया जाए कि आपके पास क्या स्थिति है, आपकी कहाँ पर पानी है आपकी? मैं एक परिवार को जानता हूँ, उसका लड़का बहुत अच्छा लड़का है, वो आके दुखी होकर बोलता है कि मेरे घर में तो मुझे लगता है आश्रम चल रहा है, मेरे माँ बाप तो पूरा सारे टीवी सीरियल वही देखते हैं, दिन रात भजन होता रहता है, और यहाँ तक कि मतलब आश्चर्य की बात ये जो मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगी, उसने कहा मैं बाबा साहब अम्बेडकर का तस्वीर लेके गया तो उसको रखने की जगह नहीं है मेरे घर में, कभी उस मूर्ति के पीछे लगते थे, मेरे तो माँ बाप को पता ही नहीं, और वो उसी समाज से आया। तो ये जो समस्या है जो इनग्रेंड हो चुकी है मतलब पूरे दिलो दिमाग में, इसको खत्म करने की चुनौती तो हमारे बीच पास है, क्योंकि जब आप ब्राह्मणवाद की बात करते हैं तो उसके आधार पर आप बात नहीं करेंगे, तो ठीक है आप कुछ नारे लगाकर कुछ करके कुछ कुछ कर सकते हैं लोग, लेकिन यहाँ पर ये चुनौती हमारे बीच में है कि उसको भी हमें लड़ना पड़ेगा उसके साथ। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जितने सवाल हैं हमारे सामने खड़े हैं, समाज में बहुत सारे सवाल होते हैं, जनवादी सवाल, जो जनवादी आंदोलन के सवाल, जैसे कोई और अत्याचार, मान लीजिए कहीं जैसे उदाहरण के लिए ये चिन्मयानंद का वो चल रहा है केस अभी, या उससे पहले सेंगर का केस रहा है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, मैं मतलब खाली बलात्कार की बात नहीं कर रहा, ऐसे अनेक जनवादी सवाल होते हैं, जो कश्मीर का सवाल है, जो दलित सवाल नहीं अपने आप में लेकिन जनवादी सवाल है, तो उनके साथ अगर दलित मूवमेंट नहीं जुड़ेगा, जनवादी मूवमेंट उनके साथ जुड़ेगा नहीं, ऐसा इनको इंटीग्रेट करना जरूरी है, और ये सवाल दूरगामी तरह से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो प्रश्न खड़े होंगे वहाँ पर वो अंततः तो सबसे जो ऑप्रेस सेक्शन है उनके साथ ही खड़े होंगे अंत में, जब जनवादी अधिकारों की बहाली होगी, जनवादी अधिकार की हम बात करेंगे तो ऊपर के अधिकार तो फिर भी मिल जाएंगे ऊपर के लोगों को, लेकिन जब जो सबसे ऑप्रेस सेक्शन है उसको जनवादी अधिकार तभी मिलेंगे जब वो जनवादी आंदोलन के साथ अपने आप को जोड़ेगा और जनवादी अधिकारों की बात भी करेगा। अगर हम इन अधिकारों के साथ नहीं जोड़ेंगे अपने आप को, जैसे हम मजदूर आंदोलन में काम करते हैं, मजदूरों के सवाल पर, मजदूर जैसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो एक्सक्लूसिव बन जाते हैं, उसमें भी मैं बताता हूँ कि हमारे साथ समझदारी की समस्या क्या आती है, जैसे इंडस्ट्री में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अभी सीवर डेथ का एक क्वेश्चन आया बीच में, सीवर डेथ का क्वेश्चन ट्रेड यूनियन क्वेश्चन भी है, दलित क्वेश्चन भी, वर्कर्स का सवाल भी, जो काम करने वाले तो वर्कर्स हैं, लेकिन वहाँ एक वजह मुझे जब हम लोगों ने बात की बहुत सारे लोगों से, तो जो उनके ठेकेदार थे करते क्या, इनकी जो इतनी बुरी हालत है सीवर वर्कर्स की, क्योंकि कहीं ये रिकॉर्डेड नहीं है, आपने अगर आपके घर में सीवर जैम है, आपने दिल्ली जल बोर्ड में कंप्लेंट लिखाई, दिल्ली जल बोर्ड आजकल कंप्लेंट नहीं लिखता है, वो बताता है वो पेड़ के नीचे आदमी खड़ा है उससे बात कर लो आप, वो ठेकेदार होता है, वो चार पाँच वर्कर को लेके आता है, उनकी दिक्कत यह है कि उनको ये डर लगता है कि अगर हम यहाँ संगठित हो गए, हमने वर्कर्स को संगठित करने की कोशिश की उनके समाज के लोगों के साथ बात करके, तो उनको लगता है इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पर ये सारा सीवर का काम करने वाले आ रहे हैं ये दिल्ली के नहीं हैं, हमें इनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और हम कुछ सवाल हम करेंगे कभी ठेकेदार को पीट देंगे कर देंगे, उससे क्या होता है कि जो वर्कर है उसको ठेकेदार से जुड़ा हुआ है, आज आपने ठेकेदार को पीट दिया उसको कंपनी से दिला दिया, लेकिन कल फिर उसको ठेकेदार के साथ काम करना है, तो जब वर्कर का सर्वे किया जाता है सरकारी एजेंसी या कोई इंस्पेक्टर आके बात करता है, वर्कर ठेकेदार के खिलाफ नहीं बोलता है, सब कुछ ठीक चल रहा है, हमसे कोई जबरदस्ती नहीं कराई जाती, हमें सब मास्क वास्क दिए जाते हैं बोल देता है। तो मैं ये कह रहा हूँ जब तक मजदूर आंदोलन की समस्याओं को, मजदूर आंदोलन के सवाल और ये सवाल ये तो ऐसा उदाहरण दिया बहुत इंटीग्रेट सवाल है, इनमें हम जुड़ाव पैदा नहीं करेंगे और उनको मजदूरों को मजदूरों के साथ संगठित कर और इन सवालों के साथ नहीं जोड़ेंगे,
बाकी जनवादी अधिकारों के सवाल के साथ नहीं जोड़ेंगे, बाकी तबकों के जो जनवादी जो उनके मूल सवाल हैं, किसानों के सवाल हैं, मजदूरों के सवाल हैं, आदिवासियों के सवाल हैं, महिलाओं के सवाल हैं, कहीं भी अधिकारों का रहना, तो उन सबके साथ जोड़कर एक साथ नहीं करेंगे, ये सारे लोग एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ेंगे तो एक विशाल आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता और बहुत सारे प्रश्नों को बैक सीट पे हमेशा के लिए रहना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।